हाय एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हरिद्वार में हूँ, तो आज हम लोग पूरी हरिद्वार की जितनी भी मार्केट है, जितना भी फूड है या जगह है, वो सारी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, बाकी सारा जो जो भी आगे का रहता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और जो स्कूटी नाच रहे हैं तो अभी हम लोग नहीं यहीं से जाएंगे। सो अभी निकलते हैं आगे, इंटरेस्टिंग कुछ रहता है तो आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी यहाँ से पूरा मार्केट पूरा व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। निंजा टेक्निक। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। हम तो इधर नीचे से जा नहीं सकते थे क्योंकि हमने पहनी हुई है चप्पल, और पहन के वहाँ नहीं जा सकते। हमने पहले मार्केट जाएंगे, और यहाँ पे रश बहुत है। मैं जूम आप खोल करके दिखाती हूँ, वो देखो बहुत ही रश है भाई। हम तो शाम को आएंगे, यहाँ पे रश ही रश है। हाँ आगे। तो अभी जा रहे हैं हम यहाँ से, ये मार्केट, और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। पहले यहाँ पे जाएंगे ये बाज़ार हरिद्वार का मशहूर, और यहाँ पे आगे शॉप जहाँ का हम खाएंगे। देखते हैं क्या खाते हैं, पहले आपको दुकान दिखा देते हैं यहाँ की सबसे पुरानी शॉप। तो यहाँ से चलते हैं, नहीं पहले इधर चलते हैं ना। हाँ जितना भी होगा थोड़ा। हाँ तो गाइस अभी दिखाते हैं आपको दुकान, रश देख के आपको पता चल गया होगा। ये देखिए मोहन जी पूड़ी वाले, तो अभी यहाँ पे हम जाएंगे। सो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे मोहन जी पूड़ी वाले शॉप पे। सो यहाँ पे इनकी पूड़ी काफ़ी फेमस है, और बहुत फेमस शॉप है ये हरिद्वार में। तो यहाँ पे इनकी पूड़ी ट्राई करते हैं, और दो प्लेट तो छोड़ी लेंगे, दो प्लेट पूड़ी लेंगे। सो टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता दें कि कैसा टेस्ट है। वैसे तो इनका बहुत अच्छा होता है। सो पहले हम इन लोगों का टेस्ट करते हैं, अंदर से आपको पूरी शॉप पहले दिखा देते हैं। तो हम लोगों ने खा लिया वहाँ पर, उनको बहुत टेस्टी लगा सर। तो हम लोगों ने खा लिया, मैंने आपको पूरी शॉप भी दिखाई है। मेन हल्की पौड़ी में शॉप है, और काफ़ी फेमस आप में से बहुत लोगों का ही शॉप पता भी होगी। सो अभी हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं, थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं, कुछ पसंद आएगा तो ले लेते हैं, और आप लोगों को तब तक के लिए यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं। सो गाइस ये है यहाँ का बाज़ार, और मतलब जैसे छोटे होते थे ना तब बड़ा मज़ा आता था यहाँ पे आने का, क्योंकि चीज़ें मिलती थी अलग अलग से खिलौने। लेकिन अब तो क्या यार, कुछ है ही नहीं अपने लायक, बस खाने के लिए है। बच्चों के लिए अच्छा है, बट अपने लिए तो कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। सो अभी चलते हैं बाज़ार में, और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आगे एक शॉप है, उनकी कुल्फी बहुत फेमस है और लस्सी। तो देखते हैं क्या खाएँगे क्या पियेंगे, शॉप आ जाती है ना, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये मैंने भैया को बोल दिया मेरे लिए कुल्फी लगा लो, तो खाते हैं। भैया बना रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कैसे बना रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है बस फटाफट से मैं खा लूँ कुल्फी। तो ये रही हमारी कुल्फी, आप लोग देखो कि ये कैसे बना रहे हैं। अच्छे वाली लच्छे ज़्यादा मत डालना भैया, मेरे को मतलब इतने अच्छे अच्छे लगते नॉर्मल। तो बर्फ, ये सबसे मस्त चीज़ ही है कुल्फी में। और ये रही रबड़ी, वेरी टेस्टी रबड़ी। यहाँ की भी टेस्टी होगी वैसे, बट अच्छी होती है रबड़ी। अलम ने एक ले लिया। हाँ बस, तो ये रही कुल्फी, खाते हैं। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पे शॉप पे, ये शाही लस्सी वाला। तो मैंने हम लोगों को बताया है, मतलब ये शॉप पहले मैंने आपको बताई है कि क्या है, और यहाँ पे इन सब ने मंगवाई है लस्सी, बट मुझे लस्सी नहीं मिली थी, मुझे नहीं अच्छी लगती है मीठी लस्सी। तो मैंने अपने लिए कुल्फी मंगवाई है, जो कि भैया जब बना रहे थे मैंने आपको पूरी दिखाई है, तो बहुत टेस्टी है ये कुल्फी। और ये बिल्कुल हल्की पौड़ी के पास ही इनकी शॉप है, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूँगी आप लोगों को। आप भी जो हरिद्वार आप इनकी लस्सी ट्राई करें, इनको लस्सी अच्छी लगी है, तो आप ये रबड़ी वाली कुल्फी भी ट्राई कर सकते हैं, इनको बहुत टेस्टी है। सो अभी ये खा लेते हैं, उसके बाद आगे कहाँ जाते हैं आपको मिलते हैं। सो गाइस ये देखो अभी हम वापस होटल में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ काम पड़ गया हमें ज़रूरी। तो मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा ये वीडियो आपको लोगों को दिखाती हूँ। जब हम जा रहे थे तब भी इतना रश था, और अभी तो इससे भी ज़्यादा रश है भाई यहाँ पे। आप लोग देखो, चेक करो गाइस, चेक करो। हाय गाइस, तो हम लोग मार्केट से सीधा आश्रम चले गए थे, बिकॉज हमें घर से फ़ोन आ गया था। तो फिर गुरु जी के दर्शन थे, जैसे आज सैटरडे संडे होते हैं, तो फिर आज हम लोग वहाँ चले गए। तो फटाफट से चले गए, फिर फ़ोन मतलब होटल में ही रख दिया चार्ज के लिए, बिकॉज आगे व्लॉग बनाना था, फ़ोन डेड था।
सुबह से ही व्लॉग जैसे बना रही हूँ। तो फिर वहाँ गए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए गुरु जी के। तो उसके बाद अभी हम लोग वापस आए यहाँ पे होटल में। तो अभी हम लोग जाएंगे आरती में, जो गंगा की आरती होती है शाम को, वही देखने का तो मज़ा है। हरिद्वार में आए और आरती में नहीं बैठे तो मज़ा ही क्या है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट, उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी जो इससे नेक्स्ट व्लॉग होगा। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, मैं अपने हर व्लॉग में ये बोलती हूँ एंड आप लोग कर भी दूँ। सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। होप करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। I'm